बांदा जनपद के पांचों तहसील मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योगासनों का अभ्यास कराया गया। रोजाना योगासन किए जाने का जोर दिया गया, तभी शरीर को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि बांदा जनपद के जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन मैदान समेत अंतरा, पैलानी, नरेनी, तिंदवारी और बबेरू में योग शिक्षक द्वारा योग कराए गए। योगाचार्य ने ताड़ासन का अभ्यास कराने से पहले उनके लाभ बताए और इस तरह कई योगासन कराए गए। बबेरू में भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विजय विक्रम सिंह के नेतृत्व में VSM इंटर कॉलेज में कराया गया। योग शिक्षक राजेश सेन ने अनेकों प्रकार के योगासन का अभ्यास कराते हुए उनके लाभ के बारे में बताया। रोजाना करो योग, रहो निरोग का संदेश दिया। इस मौके पर संयोजक राम नरेश मिश्र, सह संयोजक शिवविलास शर्मा ने सभी का आभार जताया। बांदा से शिवविलास शर्मा की रिपोर्ट। ये जो इंडेक्स फिंगर है, फोरहेड, इसे क्या बोलते हैं? फोरहेड, ये माथे पर, आप सबके लिए माथे पर, ये दोनों बीच की फिंगर्स, ये आंखों पर, और ये लिटिल फिंगर जो होती है माउथ के पास, ये ऐसे ही इसकी कोई शरीर है। पहले आप मुझे देखो, आपको करना है जी। आज किस प्रकार का कार्यक्रम संपन्न किया गया? आज यहाँ अपने BSM इंटर कॉलेज बबेरू में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जनपद बांदा द्वारा 10वें योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अपने बड़े भाई योग शिक्षक श्री राजेश जी का सानिध्य मिला। उनके मार्गदर्शन पे यहाँ पे अपने विद्यालय परिवार के लोग और अपने भाजपा किसान मोर्चा बांदा के बहुत सारे पदाधिकारीगण, अपने शुभ चिंतकगण उपस्थित रहे और उन्होंने योग के अन्यान जो है विषय को लेकर साझा किया हम सब लोगों के मध्य। और इस 10वें योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं आप सभी को और अपने देशवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जी, आज योग दिवस था, आप लोगों के द्वारा योगा अभ्यास कराया गया, किस प्रकार से किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार जो भी योगा के दिशा निर्देश थे वो उसमें योग और आसनों का जो था वो आसनों को कराया गया और उनके हानि और लाभ जो भी है वो बताए गए और रहन सहन से संबंधित हमारा जो दिनचर्या है वो दिनचर्या से संबंधित बातें बताई गई। कौन कौन से आसन बताए गए? उसमें आसन आपको सबसे पहले उनको अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका इन और ताड़ासन, पवन मुक्तासन, इन आसनों का इनके हानि और लाभ बताए गए।